बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक टीवी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हज अकबर अदा कर दिया गया। तमाम हाजियों को, आजमीन हज को मुबारक हो। बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। आज के हवाले से हाजियों के लिए ऐलान करदा सब्सिडी रकम वापस वजारत मजहबी अमूर के हवाले कर दी गई। वतन वापसी पर हाजियों को ये रकम उनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएगी। हज मिशन मक्का के इंतजाम काबिल स्ताइश है। हमने पहले कह दिया था कि हज इंतजाम में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। ये वफाकी वजीर की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया और बड़ी खबर। वफाकी मजहबी अमूर जनाब मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा कि हुकूमत ने वफाकी कैबिनेट की तरफ से हाजियों के लिए ऐलान कर दिया सब्सिडी रकम वापस जी उनके अकाउंट में जमा करवाने का ऐलान कर दिया। हाजियों की वापसी पर यह रकम उनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएगी। वो यहाँ पाकिस्तान हज मिशन मक्का मुकर्रमा में एक इजलास से सदारत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने जो है और भी बहुत सारे लोग शामिल थे और इसके अलावा उन्होंने हज इंतजाम के बारे में बड़ी ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मीना मुजलफा अरफात हज इंतजाम समेत पाकिस्तानी हाजमीन हज को मक्का मुकर्रमा मदीना मनव्वरा रहायश खाने पीने और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वफाकी मजहबी अमूर ने हज मिशन के इंतजाम को काबिल स्ताइश करार दिया। उसने ये भी बताया कि पाकिस्तानियों को हज की खिदमत और हज इंतजाम के हवाले से कोई समझौता नहीं किया गया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंतजाम थे इस साल और तमाम हुज्जाज किराम ने बड़े बेहतर तरीके से आज हज अदा कर रहे हैं और आज वो मैदान अरफात में हज जो खुतबा है और वो सुन रहे हैं और उसके साथ ही वापसी उनकी आज रात मुजलफा में होगी। उसके बाद वो मीना वापस जाएंगे और बाकी जो जो फ़राइज़ है वो हज के हवाले से अदा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।